हाँ नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल्स हब। मैं मॉम के घर से वापस आ गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मॉम के घर जा रही हूँ। मैं वहाँ से वापस आ गई और वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गला जाम हो गया था एंड कोल्ड हो गया था और खांसी हुई थी, गला जाम हो गया था। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था, वो आ चुका है और ये पहले ही आ गया था, लेकिन प्रभात ने इसको ओपन नहीं किया था क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर करना था। एंड देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मेलोडी के लिए कुछ है, अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया, आते ही अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो ये है पार्सल, ये पार्सल है और ये कहीं से आया है, पानीपत से आया है। यस, और ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। देखो मैं ब्लैंकेट लेके बैठी हूँ और साथ में मैंने ब्लोअर चालू कर दिया है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो मैं बैठी हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है, मतलब लगती है लेकिन एज कम्पेयर टू दूसरों के मुझे काफ़ी कम ठंड लगती है। और इतनी ठंडी में भी मैंने ये ओनली पतला सा स्वेटर पहना है, इनफ है। अदरवाइज सबको देखे तो जैकेट स्टार्ट हो चुके हैं लोगों के, जैसे शाम के टाइम जब धूप चली जाती है। तो ये है सीजर, ये ना अभी मुझे कफ हो रहा है, सॉरी। ये जो है ना मैंने मेलोडी के लिए मंगवाए हैं, दो है, ये दो पिलोज हैं जो मैंने मेलोडी के लिए ऑर्डर किए हैं। बुक्स मैंने कुछ टाइम पहले उसके लिए ऑर्डर की थी लेकिन वो ये है एक, मैंने कुछ टाइम पहले उसके लिए बुक्स ऑर्डर की थी लेकिन ये वेलक्रो है, काफी अच्छा है। ऊपर है माई फर्स्ट एबीसी बुक सॉरी। तो इसमें पूरे एबीसी अल्फाबेट्स हैं, सारे अल्फाबेट्स हैं, देन ये नंबर्स हैं 10 तक और ये 100 तक, तो उसको वैसे 20 तक आते हैं। देन ये आ है, इसकी मुझे सबसे ज़्यादा मतलब आ की मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि आ के लिए मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कि जो हिंदी वर्णमाला है मैं उसको कैसे सिखाऊँ, मुझे नहीं आ रहा था, तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन अब ये मेरी काफ़ी हेल्प कर लेगा। एंड एनिमल्स हैं थोड़े से, इनमें से कुछ एनिमल्स उसको, कुछ नहीं ऑलमोस्ट उसको सारे एनिमल्स पता हैं। और ये है, लास्ट में कलर्स भी हैं। देन ये एक है और ये दूसरा है। ये मैंने, सभी ने कहा कि इसमें एबीसी है सिर्फ, तो ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसमें थोड़ी वोकेबलरी बढ़ेगी, जैसे ए से ये दो या तीन, ए एंड एप्पल एरोप्लेन, ऐसे दो तीन, तीन चार ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी उसकी। तो आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं थोड़ा सा रीसेलिंग का काम भी करती हूँ। अगर किसी को ये पिलोज ऑर्डर करने हों तो प्लीज़ पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। यस ला, ये दो पिलोज आ गए, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं मुझे ये। अब मैं इसे मेलोडी को देती हूँ, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका। ये क्या है, देखो क्या है मेलो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओपन ओपन
तो ये थे पिलोज। और जैसे आई थी ना मैं, तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा प्लांट लेकर आई थी, तो मुझे बहुत डर था कि वो बैग में पड़े पड़े कहीं ऐसे उसको कुछ हो ना गया हो। हालांकि मैं उसको थोड़ा बाहर की तरफ जहाँ पे बॉटल साइड में बॉटल का होता है बैग में, उसमें मैंने रखा था उसको, ताकि वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहे और थोड़ा ध्यान से हम उसको लेकर आ रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे डर था कि उसको कहीं मतलब कुछ हो गया तो मोम मुझे मार देगी। तो मैं उसको सबसे पहले मैंने उसको प्लांट किया है आते से ही, तो वो वाली क्लिपिंग भी मैं उसके साथ में डाल दूंगी। जो पुराना लेमन प्लांट था वो भी मैं डाल दूंगी। और धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत प्लांटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब कुछ कुछ प्लांट करूंगी। वेट, तो ये सब था और मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो में। ओके देन, बाय बाय। I've got this aloe vera plant और इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एक साल के बाद। पहले मैंने ये lemon plant लगवाया था melody से, ये देखो कितना बड़ा हो गया। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने लगवाया था, और आज मैं ये aloe vera plant इसी के हाथ से लगवाऊंगी, शायद लग जाए। melody पको ऐसे फूल plant, okay leave, छोड़ो पको, जाओ खेलो। अभी लगा तो दिया है, देखते हैं क्या होता है इसका।